सब्सक्राइब करें नॉलेज ऑफ मेडिसिन चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दवाओं के बारे में लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दो दवाइयों के कंपोजिशन में आने वाली एक एंटीबायोटिक टेबलेट के बारे में, जिसको खास किस्म के इन्फेक्शंस में ही डॉक्टर द्वारा प्रयोग में दिया जाता है। यह जो एंटीबायोटिक है, इसकी जो मूल कंपोजिशन होती है वह आपका सेफोडॉक्सिम 200 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में एवं क्लिनिक एसिड जो कि 125 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। इससे पहले हमने पार्टिकुलर सेफोडॉक्सिम टेबलेट एवं सस्पेंशन के बारे में वीडियो बना रखा है, तो यदि आप में से कोई फ्रेंड जो कि पार्टिकुलर सेफोडॉक्सिम के बारे में सीखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, तो आप वहां से पार्टिकुलर सेफोडॉक्सिम टेबलेट एवं सस्पेंशन के बारे में सीख सकते हैं। बट इस वीडियो में हम सेफोडॉक्सिम के साथ साथ जो क्लिनिक एसिड टेबलेट्स आती हैं उसके कंपोजिशन के बारे में सीख रहे हैं। अगर हम इन दोनों सॉल्ट्स के कंपोजिशन में आने वाली कुछ ब्रांड नेम्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे पॉपुलर आपका गुडसेफ सीवी 200 टेबलेट, मोनोसेफ ओ 200 टेबलेट, सेफोप्रॉक्स सीवी 325 टेबलेट, सेफोडेम एक्सपी 325 टेबलेट एवं डॉक्सेफ सीवी टेबलेट के नाम से मिल जाती है। तो ये चार पांच हमने आपको कुछ पॉपुलर ब्रांड्स बताए हैं जिस ब्रांड नेम से यह फ्रीली किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। बट हो सकता है इन ब्रांड्स के अलावा आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिलती हो, क्योंकि जो दवा का ब्रांड नेम होता है वह एरिया टू एरिया एवं डॉक्टर्स के चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। बट जो सारे ब्रांड्स होगी उसकी जो मूल कंपोजिशन होगी वह आपको सेफोडॉक्सिम एवं क्लिनिक एसिड होगा। तो वीडियो में आगे हम सीखेंगे कि किस खास किस्म के इन्फेक्शन में डॉक्टर द्वारा यह सेफोडॉक्सिम के साथ साथ क्लिनिक एसिड वाली टेबलेट्स प्रयोग में लिया जाता है और इसके अलावा इसके क्या क्या यूजेज हैं, साथ ही साथ किस डोज में पेशेंट को दिया जाता है और कितने दिनों तक लेने की सलाह देते हैं। जब कोई पेशेंट इस टेबलेट को लेना स्टार्ट करता है तो उसके अंदर क्या कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में हम सीखेंगे इसके कुछ सेफ्टी एडवाइसेस के बारे में कि हमें क्या कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जो दबाव की अधूरी जानकारी होती है वह काफी घातक होती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं आपका दोस्त किशन, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि वीडियो के शुरू में हमने जाना कि जो आपका गुडसेफ सीवी टेबलेट है उसमें आपका एक सेफोडॉक्सिम होता है जो कि 200 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में एवं क्लिनिक एसिड जो कि 125 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है, और यह आपका एक एंटीबैक्टीरियल ड्रग है, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में प्रयोग में लिया जाता है। तो अगर हम इसके यूजेज की तरफ देखते हैं विस्तार से, तो इसका सबसे पहला प्रयोग आपको यदि कोई व्यक्ति जिनको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा हो तो उसे डॉक्टर द्वारा खास तौर पे यही टेबलेट आपको प्रयोग में दिया जाता है। अगर हम कुछ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की बात करते हैं जिसे कॉमनली COPD भी कहा जाता है, मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज की समस्या हुई हो, जिसमें व्यक्ति को अगर न्यूमोनिया की शिकायत हो गई हो, ब्रोंकाइटिस की शिकायत हो गई हो या फिर उसके लंग्स में किसी और प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, तो उन कंडीशंस में डॉक्टर द्वारा खास तौर पे आपको यही टेबलेट मतलब सेफोडॉक्सिम के साथ क्लिनिक एसिड ही प्रिस्क्राइब किया जाता है और वहां पे पेशेंट को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा समटाइम्स डॉक्टर इस टेबलेट को आपको UTI का इन्फेक्शन या फिर माउथ इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन या फिर अगर स्किन पे भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा हो वाउंड हीलिंग के लिए या फिर SSI मतलब सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के लिए या फिर सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन के लिए एवं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए डॉक्टर यह एंटीबायोटिक टेबलेट्स प्रयोग में ले सकते हैं। बट मेनली तौर पे यदि व्यक्ति को रेस्पिरेटरी ट्रैक में किसी प्रकार का बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो रहा हो तब डॉक्टर द्वारा यह टेबलेट प्रयोग में दिया जाता है। अगर हम इस टेबलेट के कॉमन डोज की बात करते हैं एडल्ट के लिए, तो यदि एडल्ट को रेस्पिरेटरी ट्रैक में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो
तो उसे 325 मिलीग्राम की एक टेबलेट सुबह एवं एक टेबलेट शाम प्रयोग में दिया जाता है, मतलब जिसमें 200 मिलीग्राम आपका सेफोडॉक्सिम एवं 125 मिलीग्राम की यह जो क्लिनिक एसिड है यह टेबलेट सुबह एवं एक टेबलेट शाम खाना खाने के बाद प्रयोग में लेने की सलाह देते हैं और पेशेंट को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसकी टाइम ड्यूरेशन आपके कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, बट कॉमनली इसे 5 to 10 days तक प्रयोग में दिया जाता है तो पेशेंट को अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब हम वीडियो में जान लेते हैं दोस्तों इस गुड सेफ सीवी टेबलेट के साइड इफेक्ट्स की ओर। अगर हम इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले नौजिया या वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, व्यक्ति के सर में दर्द हो सकता है, स्टोमक अपसेट सा दिख सकता है या फिर स्टोमक में पेन हो सकता है, आपको स्किन रैशेज दिख सकते हैं, मतलब स्किन पे कुछ एलर्जी कंडीशन सा दिख सकता है, साथ ही साथ व्यक्ति को डायरिया के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है। तो ये इनके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स है। ये साइड इफेक्ट्स या फिर इसके अलावा कोई अनवांटेड साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिले तो आप फर्दर इस गुड सेफ सीवी टेबलेट को प्रयोग में लेना बंद करें एवं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि जो डॉक्टर है वह जल्द से जल्द आपको कोई अच्छी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सके। अब वीडियो के लास्ट में हम सीख लेते हैं दोस्तों इस सेफोडॉक्सिम टेबलेट के सेफ्टी एडवाइसेस के बारे में। तो सबसे पहले तो आप यही ध्यान रखें कि यदि कोई व्यक्ति जो कि सेफोडॉक्सिम से एलर्जिक रखता हो या फिर किसी और ड्रग से एलर्जिक रखता हो तो उसे आप ओटीसी के रूप में ना दें, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और डॉक्टर अगर रिकमेंडेट करता है तब आप इस टेबलेट को प्रयोग में लें। साथ ही साथ अगर आप इस टेबलेट का प्रयोग प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए कर रहे हैं या फिर आपको किसी और प्रकार की डिजीज है जैसे कि हार्ट डिजीज, लंग्स डिजीज एवं किडनी डिजीज, तब भी अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। और इसके अलावा कभी भी आप इस टेबलेट को ओवरडोज प्रयोग में ना लें, नहीं तो हो सकता है आपको कुछ रिवर्स साइड इफेक्ट्स देखने को मिल जाए। तो आप इन बातों का खास तौर पे ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने आपको संपूर्ण डिटेल्स बताई है सेफोडॉक्सिम एवं क्लिनिक एसिड के कंपोजिशन में आने वाली टेबलेट्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ड्रग्स से रिलेटेड नॉलेज ही आपको यहाँ पे मिलती रहती है। आप थे अपने दोस्त किशन के साथ, तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।